बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस स्पेसिमेन के बारे में बात करना चाहेंगे। दिस स्पेसिमेन इज सी एनीमून। इट इज फाउंड इन सी वाटर। इट कंटेन्स टेंटाकल्स। इन द टेंटाकल्स देर आर निडोवलार सेल, दैट्स वाई द फाइलम सेलेंट्रेटा या सो कॉल्ड निडेरिया। इनको फाइलम सेलेंट्रेटा या निडेरिया ग्रुप में रखा गया है। यह एक एनिमल है सेलेंट्रेटा संघ का, फाइलम का, और इसका बॉडी बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है। आप इसको कहते हैं पॉलीप्लाइक बॉडी, और इसके ऊपर में चारों तरफ टेंटाकल्स होते हैं, और टेंटाकल्स में निडोब्लास्ट सेल होते हैं जिसके द्वारा ये कोई एनिमी आया तो उसको भगा देगा और अपने शिकार को पैरालाइज करके पकड़ लेता है और इंगल्फ कर लेता है। इसमें सैक लाइक प्लान है, इसके अंदर में सिलेंट्रान है और उसी के अंदर भोजन का डाइजेशन करते हैं, और जिस ओपनिंग से भोजन अंदर जाता है उसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड मेंस को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। और यह जो है समुद्र में एक जगह किसी चट्टान से चिपके रहते हैं, यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते, और बाई द चांस भोजन जब आता है तो उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि सी एनिमल जो किंग क्रैब है, क्रैब उसके पीठ पे राइड कर जाता है, अटैच हो जाता है। अब इससे दोनों को फायदा है, क्रैब ऐसे मूव करेगा तो कोई एनिमी उसको खा जाएगा, लेकिन जब सी एनिमल उसके बैक पे होगा तो जैसे जैसे सी एनिमल मूव करेगा, क्रैब मूव करेगा, सी एनिमल भी मूव करेगा, और यहाँ पे जो है इसको ज़्यादा भोजन मिलेगा, और क्रैब भी बिल्कुल सुरक्षा के साथ जो है मूव करता है। अब कोई एनिमी आएगा उसको खाने तो सबसे पहले इसका टेंटाकल्स उस एनिमी को भगा देगा, और यहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है। क्रैब को ज़्यादा भोजन करने के लिए अवसर मिलता है कलेक्ट करने के लिए दूर दूर तक टहलकर, और सी एनिमल भी ज़्यादा भोजन लेता है क्योंकि एक जगह है तो बाई चांस फूड मिलेगा, और उसके पीठ पे होके यहाँ वहाँ घूमते रहेगा तो ज़्यादा भोजन मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली देखा गया कि सी एनिमल कहीं जहाँ पे चट्टान है पानी के अंदर वहीं पे जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। तो बच्चों यह सी एनिमल है मैटेरिडियम। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ स्पेसिमेन के बारे में डिस्कस कर दें। थैंक यू वेरी मच।